कुछ बताना चाहेंगे आज के इस फिल्म की शूट हो रही है, काफी भव्य लग रहा है। या सबसे पहले तो सभी हमारे दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आप सब मीडिया वालों का ढेर सारा वेलकम हमारे सेट पे काजल के। काफी दिन से शूटिंग चलता है, आज बड़ा यू बोली कि आज हम अपना करियर के सबसे बड़ा गाना के शूट करता नहीं काजल के, और बड़ा अलग फिल्म बा, बड़ा पारिवारिक एक अलग सब्जेक्ट पे फिल्म बा। जितना लोग भोजपुरी के बदनाम करके रख ले बा फूहड़ गीत गा के, तो फूहड़ सब्जेक्ट पे काम करके, तो ढोड़ी में उंगली डाल के, तो उस सब गीत गा के, वो सब चीज़ ना मिली हमें। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, जो ऑडियंस हमारा छूट गए वो सब ऑडियंस भोजपुरी के, शायद ये फिल्म अगर चल गई तो वापस आ जाए। और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बा फिल्म के, ब्रिजभूषण जी के डायरेक्टर सर के काफ़ी अच्छा डायरेक्शन में फिल्म बनता। आदिल सर के थैंक्स जे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चुन ले, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पे काम करता रहे। और काजल आई होप कि एक इतिहास साबित हुई भोजपुरी फिल्म का। आज के गाने के बारे में जानना चाहूँगी। आज ये गाना भाई काजल रखवानी जी हमें बाड़ी फिल्म में एक आइटम डांस बा, गेस्ट अपेयरेंस करता रही। काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट पर, काफ़ी हमारे जो कैरेक्टर वो कैरेक्टर जाता कहीं टकरा जाता वो पे गाना बाओ, और काफ़ी भव्य गाना बा, काफ़ी भव्य तरीके से सेट लागल बा, काफ़ी भव्य तरीके से शूट होके जा रहा बा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बड़ा अच्छा लगे वाला भाई गाना भी शूट करके, मज़ा आई, बस एंजॉय करिए आप लोग। स्पेशल सॉन्ग, स्पेशल सॉन्ग है फिल्म के, आइटम सॉन्ग में एक को नहीं थे, टिपिकल जो भोजपुरी में चले वो सब चीज़ नहीं थे, अलग कॉन्सेप्ट बा। और स्पेशल सॉन्ग में काजल राघवानी जी वाड़ी, एक गाना में अमरपाली दुबे जी वाड़ी, आज काजल राघवानी जी का शूट होता। और फिल्म के गाने के जो लिरिक्स लिखे बड़े, जो म्यूजिक डायरेक्टर बड़े एस कुमार जी, बड़ा अलग म्यूजिक बा, मगर अब तक के हर फिल्म से हटके म्यूजिक बाए में, सुने में अच्छा लगा था, देखे में पिक्चराइज है, वहाँ रामदेवन सर ने कहे बड़े वो एक अलग कॉन्सेप्ट बा, बहुत अच्छा गाना बा, बहुत अच्छे से फिल्म शूट होता। ऑफकोर्स अच्छा है, सेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिल्म अच्छी है, गाने अच्छे हैं, तो मज़ा आएगा। मैं अपने हर को एक्टर के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड होता हूँ कि सीन कैसा हो रहा है, गाना कैसा हो रहा है, तो आई होप कि अच्छा होगा, अच्छा जाएगा आज का शो। और फिल्म में मेरे साथ हैं काजल यादव जो टाइटल रोल में हैं, साथ में हर्षित हैं, अयाज खान हैं, अनुप अरोड़ा हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उदय भैया जी हैं, ऑल कलाकार जितने भी लोग हैं, माया यादव जी, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और एक माइलस्टोन साबित होगी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आई एम श्योर। ओके देन, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे जितना भी दर्शकन बारे सब के होकर 26 जनवरी के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, जय रेडी, बोलिए सर। ऐसे क्या बताऊं आपको, वीवो एक स्टार है, मैंने सोचा उसे ले लूं, इसमें ले लिया मैंने, इस गाने पे वही ज़्यादा शूट कर रही थी फिल्म, नहीं तो और भी लोग कुछ ज़्यादा जहन में आए होंगे कि भाई ये स्टार भी चल सकती है, वो स्टार भी चल सकती है, या पहला नाम ही था काजल राघवानी का? नहीं, मेरी चॉइस तो काजल राघवानी थी इस गाने पे। हमने सुना है कि इसी फिल्म में आम्रपाली भी एक गाना करेंगे। जी हाँ, वो भी गाना उसके ऊपर शूट करेगा, इसलिए उसको उस गाने के लिए आएंगे। तो बेसिकली आइटम सॉन्ग्स आपने देखे होंगे, इनके कोई खास आइटम सॉन्ग जो आपको पसंद आया हो, या कोई खास गाना जो बहुत आपके दिल के करीब रहा हो? नहीं, कोई ये जो गाना मेरा है, मेरी फिल्म कैमरा लुक, वो गाना मेरे दिल के करीब है, इसलिए कैमरा लुक, कैमरा लुक, मैंने अच्छी तरह से सोचा कि जो है इस गाने पे काजल राघवानी को, और उस गाने पे जो है अमरपाली। अच्छा, फिल्म में दो दो काजल हैं आपके, एक काजल यादव है, काजल यादव हैं, काजल राघवानी है, मेरी फिल्म की नाम, फिल्म का नाम काजल है जी, तो मेरे पास तो तीन तीन काजल है। आपके पास तीन तीन काजल हैं, लेकिन एक ही आदित्य है। आदित्य एक है। हाँ, आदित्य एक है। मैं तो ऑडियंस से यही कहूँगा कि अभी बहुत जल्दी ये फिल्म रिलीज हो रही है, और सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाकर के सिनेमा घर में देखें। जी, आज शूटिंग हो रहा है, और हमारी इंडस्ट्री की जो सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं काजल राघवानी जी, उनके ऊपर ये गाना पिक्चराइज होने वाला है, और बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरी फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स लोग आते गए हैं, जैसे अमरपाली जी भी हैं, उनका भी गाना होने वाला है 4 तारीख को, तो मैं बहुत ही अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरी फिल्म में इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग जो हिस्सा लिए हैं, और बहुत खुश हूँ। खुशी का तो वाकई में बहुत से रीज़न्स हैं मेरे पास, और आज मेरा वर्क काजल फिल्म से कंप्लीट हो जाएगा, और हमारी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि जैसे कि काजल बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे नाम पे ये फिल्म बन रही थी,
तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता था पता नहीं शूट होगा या नहीं होगा, ऐसे तो बहुत लोग बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं बट उसको एक मुकाम हासिल नहीं होता। बट मैं बहुत खुश हूँ, खुशनसीब मानती हूँ, ये सब हमारी ऑडियंस का प्यार है, आशीर्वाद है जो आज मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। और बस मैं यही चाहूँगी ये फिल्म जब भी सिनेमा घरों में लगे आप सब इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और खूब देखिए। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है और काजल मैं हीरो के फादर का रोल कर रहा हूँ। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसके डायरेक्टर बड़ा जोशन जी और आदिल अहमद जी इसके प्रोड्यूसर हैं, दोनों अच्छे बड़े अच्छे इंसान हैं। और आज बड़े खुशी का मौका है कि काजल के नाम पे ये फिल्म बन रही है और मैं इनके मदर के साथ भी काम कर चुका हूँ, माया जी के साथ। और आज काजल अगवानी जी का गाना है और अभी दो दिन पहले हम लोग साउथ में शूट कर रहे थे, काशी विश्वनाथ की शूटिंग कर रहे थे साउथ में, तो लगभग हमारी करीब करीब 300 फिल्में भोजपुरी की रिलीज हो चुकी हैं और काफ़ी फिल्में किया हूँ। बस इन दिनों कुछ भोजपुरी में अश्लीलता कुछ ज़्यादा हो गया है जिसके प्रति बड़ा दिल में दुख होता है कि जिस भोजपुरी को मिठास के लिए जानते थे आज आइटम के लिए जाना जाता है। लेकिन लोगों में इधर फिर सोच बदली है और कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की है कि अश्लीलता के विरुद्ध फिल्म बनाई जाए और उसकी पहल काजल से मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि फिर से वो दौर शुरू है क्योंकि मैंने राकेश पांडे जी के साथ, सुजीत कुमार जी के साथ, कुणाल जी के साथ काफ़ी फिल्में की हैं, करीब करीब एक एक एक्टर के साथ 20-20 फिल्में की हैं। शत्रु जी के साथ राजा ठाकुर उसका मेन विलेन था, टीनू वर्मा डायरेक्टर थे उसके, धरती कहे पुकार के असलम शेख जी के साथ उसमें करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर था मैंने। इसके अलावा भी बलमा नादान, सुहाग बिंदिया, बिहारी बाबू, छोटकी बहू, कई फिल्में एज ए हीरो भी आई और करीब 50 से ऊपर फिल्में एज ए मेन विलेन भी हमारी आई। अब तो फादर का भी रोल कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, भोजपुरी से बहुत प्यार है, भोजपुरी के लिए मैं जीता हूँ। वैसे यहाँ थिएटर में हिंदी थिएटर करता था, मिस्टर के रैना इला रूम के साथ मैं थिएटर करता रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी से प्यार है मुझे। हिंदी की भी 25-26 फिल्में रिलीज हैं हमारी, अभी हाल में पिछले वर्ष बदलापुर बॉयज एक फिल्म आई थी, बहुत मेजर रोल था, तो और अभी आगे भी कुछ फिल्में कर रहा हूँ हिंदी की। बट भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। जी जी काजल, आपकी कौन कौन सी आने वाली फिल्में हैं कुछ बताना चाहेंगे? जी मेरी अपकमिंग फिल्म है जमाई राजा, मजगल गदर प्यार में, चिराग और काजल आज कंप्लीट हो जाएगी। रिपब्लिक डे आने वाला है, जी मैं हमारी ऑडियंस को कहूँगी हैप्पी रिपब्लिक डे, खुश रहिए अपने जीवन में। और रिपब्लिक डे बहुत ही अच्छा एक इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। और गाना शूट कर रहे हैं हम बेसिकली, ये क्या गाना होगा बेसिकली? yes. का गाना होगा और कौन कौन आर्टिस्ट में फीचर करेंगे? सबसे पहले सारे भोजपुरी समाज को मेरा प्रणाम, ज़्यादा भोजपुरी नहीं आता लेकिन हिंदी में बोलूँगा। ये आज काजल फिल्म का स्पेशल सॉन्ग है और इस फिल्म में आपको बहुत संस्कारिक वीडियो मिलेंगे और इन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। मेरा पहला भोजपुरी इन्हीं के साथ था, दुरायसन चाई, उसके बाद ठोकदेव, उसके बाद ये फिल्म कर रहा हूँ काजल। और बहुत अच्छे लिरिक्स मिलेंगे आपको इस फिल्म में, बहुत ही डिसेंट वीडियोस मिलेंगे जिसकी तलाश में आप लोग हमेशा रहते हैं। आप बताएं जरा इस गाने के लिए बेसिकली भोजपुरी करना, मतलब भोजपुरी की अपनी ऑडियंस होती है, उसके अपने स्टेप्स होते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ नया आप देख पाएंगे लोग आपके गाने में? आज का सेट जो है बहुत महंगा सेट है और इसमें काफ़ी खर्चा किए हैं प्रोड्यूसर साहब ने हर गाने में, सिर्फ इसी गाने में नहीं। और ये फिल्म का स्पेशल सॉन्ग है, हम लोग इसको आइटम सॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, जैसे श्रीदेवी के टाइम पे आइटम सॉन्ग होता था, माधुरी के टाइम पे आइटम सॉन्ग होता था, उस तरह का एक स्पेशल सॉन्ग होगा। और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे टुमके मिलेंगे, थोड़ा सा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ साउथ का पैटर्न डालने की। म्यूज़िक के बारे में बताएं जरा। सर म्यूजिक
अभी आप लोग सुनेंगे तो बताएंगे म्यूजिक बहुत अच्छा बना है और म्यूजिक अच्छा और लिरिक्स जब अच्छा होता है जब अच्छे इसमें कोरियोग्राफी होती है तो मुझे बहुत संतुष्टि है और काफ़ी दिनों के बाद मेरे साथ काम करने का मौका मिला है मेरे गानों को चार चांद और कुछ स्पेशल सॉन्ग हैं तो और मज़ा आएगा हमेशा अच्छे करते आए हैं ये भी अच्छा होगा उम्मीद है मुझे चार चांद का तो पता नहीं लेकिन एक चांद आपकी फिल्म में काजल राघवानी जरूर है जी 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 और वो है काजल राघवानी जी हैं तो और अच्छा है और अच्छा होगा गाना काजल राघवानी है फिर प्लस काजल यादव है प्लस अमरपाली दुबे भी हैं तो आप लोगों को काफ़ी वेरिएशन मिलेगा सब चांदी चांद चांदनी भी बोला जाए जी मेरी शुभकामनाएं हैं फिल्म के लिए साहब आप लोगों को थैंक यू सो मच और मेरा तीसरा गाना 100 मिलियन क्रॉस हुआ है पलंगिया रात भर सोरे ना दिया उसके लिए तय दिल से शुक्रिया और सिर्फ म्यूज़िक कंपनी से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरियोग्राफर और कैमरामैन का भी नाम मेंशन कीजिएगा क्योंकि हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम होता है सिंगर का नाम होता है हीरो हीरोइन का नाम होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर का होता है कोरियोग्राफर और कैमरामैन का नाम नहीं होता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हर म्यूज़िक कंपनी से कि नाम मेंशन कीजिएगा कि कौन ठंड में बारिश में धूप में कितना मेहनत करके शूट करके वीडियो आप लोग तक पहुँचाता है थैंक यू सो मच हैप्पी होली उधर से डाल देंगे ठीक है हो गया चलो चलो रोल सर पीछे आओ ना इस सारे ग्रुप में सिर्फ स्वेटर में आप मुझे अकेले नजर आ रहे हैं ठंडी सिर्फ आपको लग रही है मैं भी हूँ नहीं दरअसल सेफ्टी लेनी पड़ती है क्योंकि आगे काम बहुत है और पिक्चर का आज लगभग समापन है क्योंकि इसके बाद बस एक अमरपाली जी की एक गाने हैं वो होना है और बाकी फिल्म आज कंप्लीट है लगभग और ख़ास करके काजल फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें यूनिट में जितने लोग हैं तो एक कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे आगे में जैसे आदित्य जी की पोटेंशियलिटी देखने को मिलेगी पहली बार ऑडियंस को काजल तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हैं और इसमें शायद प्रूफ के भी आगे कुछ प्रूफ करने वाली है रामदेवन जी हमारे डांस डायरेक्टर सारे गाने इन्होंने किए हैं और बड़े लगन से सब्जेक्ट को समझते हुए और फिल्म के मूड को समझते हुए करने वाले डांस डायरेक्टर बहुत कम हैं जो भी हैं बस वो झपाझप कर जाते हैं लेकिन खैर औरों की शिकायत ना करूं लेकिन रामदेवन जी की तारीफ ज़रूर करूंगा कैमरामैन भी हमारे त्रिलोक जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है जो काम सिर्फ ट्रॉली से हो सकता था उसको क्रेन से किया है जो क्रेन से हो सकता था वो जिमी जीप से किया है तो इस तरह से कैमरा के आगे पीछे सारे लोग म्यूजिक डायरेक्टर खास करके क्योंकि संगीत तो फिल्म का जान होता है और एस कुमार जी ने जो म्यूजिक दिया है मुझे लगता है कि शायद सब लोग को मानना पड़ेगा कि अब तक जो दिए हैं उसमें कुछ बेहतरीन ही काम हुआ है इस फिल्म में और सबों का काम चूँकि अच्छा हुआ है तो कप्तान होने के नाते मैं भी अपनी तारीफ कर लूँ कि मैंने सबों से अच्छा काम लिया करवाया है जी। ले लिया है तो इस तरह से फिल्म बहुत अच्छी बनी है और भोजपुरी मैंने कभी स्टेटस में लिखा भी था कि भोजपुरी एक करवट लेने जा रही है तो शायद काजल से ही करवट ले रही है हाँ और ये एक अच्छी करवट है जो और प्रोड्यूसरों को भी इंस्पायर करेगा क्योंकि एआर डिजिटल एंटरटेनमेंट के तहत जो ये बन रही है काजल इसके जो निर्माता हैं आदिल साहब उन्होंने कमाल अमरोही साहब कभी कहा करते थे कि मैं हीरोइन का हेयर पिन तक खुद से लगाता हूँ बीइंग ए डायरेक्टर बीइंग ए प्रोड्यूसर तो डायरेक्टर तो खैर मैं रहा ही हूँ लेकिन एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने हेयर पिन तक खुद से खरीदा है कान के झुमके लाया है सब कुछ और लगाने में भी बड़े बारीकी से ध्यान रखा है कि हीरोइन हमारी खूबसूरत दिखनी चाहिए तो जब खूबसूरत हीरोइन और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है और हमारी ऑडियंस को काजल यादव की जितनी भी फिल्में देखे होंगे उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इस फिल्म में लगेंगी और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही आगे भी ये दिखती रहेंगी काजल जी बड़ी तारीफें की ब्रज जी ने कान के झुमके से लेकर पिन तक की बात बताई इन्होंने मतलब और काफ़ी चीज़ें छोड़ दी है 4 फीट की चूड़ियाँ 12 फीट के दिल ये सब भूल गए सर कमल का फूल बिल्कुल कमल का फूल क्या क्या है ये सारी बातें की कैसा लगता है जब कोई इतना विश्वास जताता है आपके ऊपर
जिसको कि कैप्टन कहा जाता है जहाज का, जब वो इतना विश्वास जताता है तो प्रेशर, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं जाती हैं? बहुत बढ़ जाती है, बहुत प्रेशर फीलिंग होता है। जैसे कि सर ने कहा कि अब तक की मेरी बेस्ट फिल्म होगी, तो ये वर्ड ही बहुत काफ़ी होता है जब हमारे डायरेक्टर सर या कोरियोग्राफर सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। और प्रेशर तो बड़ा ही है अभी 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 बातें सुन के सर जी की, और अभी ऐसा लग रहा कि आगे भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करूँ जो काजल से बढ़कर हो, ना कि उससे डाउन हो। तो थैंक यू सर। अब बातों की बातें नहीं रह गई है, फिल्म एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ, फिल्म देख के बोल रहा हूँ, फिल्म सिर्फ बना के नहीं बोल रहा हूँ। और जितनी भी बातें कही हैं, रामदेवन जी की तारीफ हो या म्यूजिक की तारीफ हो या फिल्म की तारीफ हो, वो सब देख के कह रहा हूँ। अब बाकी तो ऑडियंस है, ऑडियंस सर्वोपरि है, अब वो कहाँ तक लाइक करती है ये उन पर डिपेंड करता है। सर मुझे भी थोड़ी तारीफ करनी है, आदित्य मोहन की। आदित्य मोहन, आपने कहा कि एक अलग शेड आदित्य मोहन का इसमें नज़र आएगा, जो अब तक किया उससे और बेहतर और अलग नज़र आएगा, क्या इस बात में आदित्य मोहन भी उतना ही विश्वास करते हैं? या ऑफ कोर्स, इस फिल्म में मैं एक अलग ही लुक, अलग ही गेटअप में दिखूंगा। सिर्फ मैं खुद के लिए बोलूंगा, अब तक जितने भी हीरोज ने काम किया सबसे एक अलग शेड में मैं दिखूंगा और एक अलग ही फिल्म होगी काजल मेरे लिए। ब्रसर के डायरेक्शन में सर ने जो काम कराया है और म्यूजिक, या स्पेशली आदिल सर जिन्होंने एक एक बारीकियों पे खुद ही ध्यान दिए, एक एक चीज़ें जो डिमांड होते थे हमारे डायरेक्शन टीम से लाया, पिन से लेकर के दिल तक पिन से लेकर दिल तक। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये इसका आशित का भी इंटरव्यू लो, 2004 से भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। शायद ही काजल जैसी कोई फिल्म बनी होगी तो प्लीज आप लोग थिएटर में देखिएगा, यूट्यूब में नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है। एक बात और है, इस फिल्म में एक और नयापन यह है जो हमारी पुरानी आदत रही है कि कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना, तो इसमें एक सेकंड हीरो के तौर पे हर्षित नाम का एक लड़का आया है जो साउथ से है और बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे तो लगता है कभी हीरोइन ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि तो लगता ही नहीं है एक्टिंग कर रहा है, तो शायद मुझे पहले लगा कि शिकायत कर रही है या बधाई, तो बाद में महसूस हुआ कि नहीं, तारीफ कर रही है। चूँकि एडिटिंग के बाद देखा कि इज़ ए वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छा डांस भी किया है और एक्टिंग तो ऐसा किया है कि लगता ही नहीं है एक्टिंग कर रहा है। आप इन्हीं के मुँह से सुनिए। हेलो हर्षित, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम, नन कन्नड़ा वर्ते अन्ना, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, आई अंडरस्टैंड कन्नड़ा, सो व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू? तेलुगु। यस, तेलुगु, so I will ask in English. I can also speak in Bhojpuri and Hindi. So also. Please go on Bhojpuri. Bhojpuri, okay. Yes, Harshit, का हाल? का हाल बा? क्या हाल है Harshit? हम ठीक बानी। और कौन सी फिल्म शूट कर रहे हो आप यहाँ पे? काजल। ब्रज सर ने बड़ी तारीफें की आपने, आपकी आपकी तारीफें की, हालांकि मुझे लगा कि पहले शिकायत कर रहे हैं फिर लगा कि तारीफें कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि ब्रज सर ने, आदिल सर ने मुझे मौका दिया इसमें काम करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डांस में तो मैं बोलूँगा कि मैं बहुत डरा हुआ था कि रामदेवन सर हैं और वो बहुत डांटते हैं सेट पे, तो उसके बाद पता चला कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। और ओवरऑल एंटायर टीम बहुत अच्छी है, काजल जी, आदित्य मोहन जी बहुत अच्छा काम किए हैं मेरे साथ में, और एंटायर द टीम, ऑल द पीपल्स आर वेरी गुड। तेलुगु में जब आप वहाँ काम करते थे, भोजपुरी फिल्में देखते थे हर्षित? एक्चुअली मेरे घर में भी भोजपुरी नहीं बोलता है, तेलुगु बोलते हैं, लेकिन हाँ कि भोजपुरी में भी मुझे आगे जाना है। एक्चुअली ये फिल्म देखना भोजपुरी शुरू किए हैं जब इनका सिलेक्शन हो गया है इस फिल्म। अच्छा, अभी मैं और एक एक रात में तीन तीन चार चार अभी मैं माया यादव मैम का फिल्म देखा हूँ, आलू परोरा सर का देखा हूँ, काजल जी का मोहब्बतें देखा है और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिल्म नहीं देखी? आदित्य मोहन जी की काजल देखूंगा। तो एक थैंक्स बोलूँगा कि सारे लोगों को, मतलब बहुत थैंक्स बोलूँगा कि मुझे मौका मिला और इतनी बड़ी फिल्म है, और रामदेवन सर कुछ गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। एक बात और है कि इस फिल्म में एक खास बात रही है कि पत्रकारों का बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ तो सारे लोग बोलते साहब आपके काजल का बड़ा नाम है। हमने कहा नाम है, कैसे नाम है? तो नहीं, आपका वो न्यूज़ देखा, आपका वो यूट्यूब पे देखा, आपका वो इंटरव्यू देखा, तो मुझे लगा नहीं कि ये लोग कब छिप छिपा के सबसे इंटरव्यू लेते गए और आज यूट्यूब भरा हुआ है काजल से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सहयोग है पत्रकारों का, और ऐसा ही सहयोग रहा तो निश्चित कहूँगा कि ये फिल्म हिट होगी।
इसे मैं तारीफ के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कभी आप लोग भी हमारे साथ आके अपना चेहरा दिखाइए, क्योंकि आप लोग हमेशा हम लोग को फेमस करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आइए सब लोग, हम लोग एक साथ फोटो करेंगे, ग्रुप पिक्चर होगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।